खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम्हारे भाई लोग क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो फाइनली यार इधर वापस से अपन इधर टॉप फाइव में आ चुके एंड पिछले जो कुछ दिनों में अपना जो 150-200 का माइनस लगा था और अपन इधर टॉप 10 के भी बाहर चले गए थे, वो चीज़ यार अपन ने इधर 2 ही दिन के अंदर ही पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। और अब यार यहाँ पे वापस से मैं इधर टॉप 5 में आ चुका। अब यहाँ पे मेरा और नंबर 1 का जो पॉइंट्स डिफरेंस है ना, वो यार इधर मुश्किल से 150 पॉइंट्स का है। तो बस 2 से 3 दिन और वेट कर लो और मैं आपको भाई वापस से #1 पे देखूंगा। बाकी यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब मार दो। अपन 50 के सब्स के बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है। बस अपने को भाई 1500 सब्सक्राइबर्स और चाहिए और अपने 50 के सब्स इधर हिट हो जाएंगे। सो मेक श्योर जो भी बंदा अभी चैनल को नया देख रहा है, अगर गेम प्लेस पसंद आ रहे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मार देना। अब देखो आज की गेम की बात करें ना, तो देखो ये वाला गेम ना इतना इंटेंस होता है कि भाई लास्ट में जाके ना अपने साथ ऐसे ऐसे कांड हो देना भाई, इतनी इंटेंस सिचुएशन में। यार यहाँ पे मैं जोन का सेंटर होल्ड कर रहा था और भाई यहाँ पे अपना गेम जो था ना वो इधर क्रैश हो जाता है। तो भाई अपनी जो फटी पड़ी थी ना वहाँ पे कि भाई जैसे इधर गेम खोलूँगा भाई इधर भाई अपन निपट चुके होंगे, लेकिन आगे क्या होता है वो तो यार आपको गेम पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यार यहाँ पे अपन जोन के सेंटर में आ चुके थे, ये वाला जो कंपाउंड था ना वो इधर जोन के सेंटर में था। तो अभी के लिए तो यार यहाँ पे अपन आ जाते। फिलहाल यहाँ पे कोई भी बंदा रहता है नहीं, लेकिन मेरे को पता था कि यार 36 बंदे अलाइव है, तो कोई ना कोई बंदा तो यार यहाँ पे मेरे ऊपर पुश करने का ट्राई करेगा ही करेगा। और यहाँ पे जस्ट मैं बोला था कि उतने में एक बग्गी वाला बंदा इधर सामने वाले कंपाउंड पे आ चुका था। अब पहले तो यार यहाँ पे मेरे को लगा था कि बंदा जो है ना वो इधर मेरे बघेल वाले कंपाउंड में होल्ड करेगा, लेकिन बंदा जो है ना वो इधर सामने वाले कंपाउंड में चला जाता है। और अब यार यहाँ पे बंदे के ऊपर मेरे को नेड भी करना आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे सामने वाला बंदा भी इधर थोड़ा बहुत छाना रहता है, जैसे इधर मैं दरवाजा तोड़ता हूँ वो बंदा भी इधर नेड की पिन खींच लेता है। अब पहले नेट से तो यार यहाँ पे बंदा बच जाता है, उसके बाद ना बंदा थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था तो कूपचे में जाके यार बंदा हील वील मार रहा था, लेकिन उसके तुरंत ही बाद यहाँ पे मैं दूसरा नेट फेंक देता हूँ एंड आराम से यार बंदे को निपटा देते। बाकी इधर जोन भी स्टार्ट हो ही चुका था, तो मेरे को पता था कि यार यहाँ पे बंदे जो है ना वो इधर अपने ऊपर क्लोज इन करना स्टार्ट करने वाले अभी। बाकी फिलहाल इसके बाद वाला जोन जो था ना वो वापस से अपने पर बन चुका था एंड इस बार वापस से अपन जोन के सेंटर में आ चुके थे। उतने में यार यहाँ पे मेरे को लेफ्ट साइड से एक बग्घी का साउंड आता है, जैसे इधर बग्घी का साउंड आता है तुरंत बंदे के ऊपर स्प्रे लेते और आराम से यार यहाँ पे बंदे को बग्घी से उतार देते। बाकी के लिए यार इसके बाद वाला जोन जो था ना वो वापस से इधर क्लोज इन होना स्टार्ट हो चुका था और अब यहाँ पे सामने वाले जो कंपाउंड थे ना वो इधर जोन के बाहर हो चुके थे। सो वहाँ पे जितने भी बंदे थे ना वो भी इधर जोन के अंदर क्लोज इन करना स्टार्ट करने वाले थे। और उतने में यार यहाँ पे मेरे को सामने की साइड से एक बग्गी का साउंड आता है और यार बग्गी वाले बंदे को ऑलरेडी एक हेड एंड एक बॉडी मार चुका था, तो मैं तुरंत यार बंदे के ऊपर पुश मार के आराम से इसको किल कर देते। बाकी तुरंत यार उसके बाद मैं वापस से अपने कंपाउंड में आ जाता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे को पता था यार सामने की साइड काफी बंदे सुन के बाहर से भी आने वाले। यहाँ पे मेरे को एक नहीं दो दो बंदे यहाँ पे सामने की साइड स्पोर्ट होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों बंदों का यहाँ पे किल जो है ना वो यार एक ही दूसरा बंदा यहाँ पे चुरा लेता है। सो अभी के लिए तो यहाँ पे अपन जोन के अंदर थे एंड अब वो बंदा जो था ना वो इधर जोन के बाहर हो चुका था, तो बस अब यहाँ पे मेरे को वो बंदे का वेट करना था। लेकिन उतने में यहाँ पे क्या होता है वो देखो, लिटरली यार ये चीज़ देखने के बाद ना मेरी इतनी गंदी हुई फटी थी ना कि क्या ही बोलूँ। बिकॉज यहाँ पे पहली बात तो मैं इधर जोन का सेंटर होल्ड कर रहा था और मेरे आसपास जितने भी कंपाउंड थे ना हर एक कंपाउंड में कोई ना कोई बंदा था, तो यार शायद से अगर कोई बंदा इधर मेरे ऊपर ग्रेनेड कर देता या फिर अगर किसी बंदे ने इधर मेरे ऊपर अगर पुश कर दिया होता तो फिर तो डेफिनेटली यार अभी अपने को यहाँ पे अपनी पेटी दिख जाती। लेकिन फिलहाल यार अपन जैसे तैसे वापस गेम के अंदर आ चुके थे, अभी भी यार यहाँ पे जोन स्टार्ट होने में टाइम था। सो अब यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी, जोन स्टार्ट होने का वेट करना था एंड जैसे यहाँ पे जोन स्टार्ट होते हैं तो जितने भी बंदे इधर जोन के बाहर से आएंगे उनको पेलना था। अब जैसे इधर
जोन क्लोजिंग होना स्टार्ट होते हैं, सामने की साइड से एक ह्यूज आती हुई दिखती है। अब ह्यूज वाले बंदे के ऊपर मैं स्प्रे तो लेता हूँ, लेकिन बंदा अच्छे से इधर बच के जोन के अंदर आ जाते हैं। एंड अब बंदा जो था वो इधर कवर में जा चुका था। एंड इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार अपने पे बन चुका था। तो बस अब यहाँ पे अपने को एक ही चीज करनी थी और वो था होल्ड, क्योंकि चारों तरफ जितने भी बंदे बचे थे ना उन लोग को बस अब यहाँ पे मेरे को आपस में फाइट करने देना था। इधर जोन भी क्लोज इन होना स्टार्ट हो चुका था। इधर मेरे को लेफ्ट साइड से एक भाई बीआरडीएम का साउंड आता है। अब जैसे इधर बीआरडीएम का मेरे को साउंड आता है ना तुरंत यार बंदे के ऊपर भाई स्प्रे लेता हूँ। एंड उसकी बीआरडीएम ऑलरेडी यार अच्छी खासी डैमेज थी, तो यार आराम से बंदे को भर देती है। बाकी इधर सिर्फ दो ही बंदे बचे थे, एक बंदा इधर मेरे सामने वाले स्क्वाड हाउस में था एंड दूसरा बंदा जो था ना वो इधर मेरे राइट साइड में था। सो अब बस यहाँ पे मेरे को होल्ड करना था, बिकॉज इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार इधर वापस से अपने बन चुका था। तो भाई जोन जो था ना वो कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा था अपने को। बाकी फिलहाल जो राइट साइड वाला बंदा था ना उसके भी इधर मेरे को फुटस्टेप आ जाते कि यार बंदा जो था ना वो इधर घर के ऊपर चढ़ चुका है। तो उसके ऊपर भी एक इधर एक मैं ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा जो था वो हल्का सा लेफ्ट साइड में था। तो फिलहाल इधर वो वाला बंदा बच जाता है। बाकी इधर जो स्क्वाड हाउस वाला बंदा था ना वो इधर जोन के बाहर हो चुका था, तो अब बंदे को इधर जोन के अंदर आना था। और जैसे इधर बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड करने का ट्राई करता है उसी टाइम यार यहाँ पे बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। बाकी फिलहाल इधर बंदा जो था ना वो इधर मेरे क्लोज आ चुका था। सो अब यहाँ पे बंदे को किस तरह से ग्रेनेड से भरते हैं वो देखो। अब भाई यहाँ पे बंदा ऑलरेडी डैमेज था, बिकॉज ऑलरेडी बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। सो बस यहाँ पे बस मेरे को हल्का सा ग्रेनेड उसको भाई कनेक्ट करना था एंड भाई एकदम ही खतरनाक वाला आईक्यू ग्रेनेड फेंकते एंड आराम से बंदे को भर देते। बाकी फिलहाल यहाँ पे बस एक ही बंदा बचा था जो कि इधर सामने की साइड जंप कर रहा था, लेकिन अभी के लिए तो यार यहाँ पे अपन मीटअप कर सकते थे नहीं। सो इसको भी यार आराम से ग्रेनेड से भर देते और ये वाले गेम में यार अपने को यहाँ पे 17 का प्लस मिल जाता है। बढ़ते यार सेकंड गेम प्ले की तरफ, तो देखो ये वाले गेम ना जोन जो था वो इधर जॉर्जो सिटी की साइड बना हुआ था और इसमें ना लास्ट में जाके अपने साथ हील बैटल का सीन भी होने वाला है। और भाई इसमें आपको ऐसे ऐसे खतरनाक ग्रेनेड्स देखने को मिलेंगे ना कि बस आप देख लेते हो। फिलहाल के लिए तो यार यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन चाहिए थी। अब यहाँ पे मैं जोन का सीधा सेंटर तो होल्ड कर सकता था नहीं, इसी वजह से जाता तो यार ये वाली बिल्डिंग में। अभी के लिए यार यहाँ पे जैसे मैं ऊपर साइड चढ़ने का ट्राई करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप आ जाता, तो यार फिलहाल के लिए भाई बंदे के ऊपर मैं पुश नहीं मारता हूँ, बिकॉज अभी भी बहुत ज्यादा बंदे बचे थे। एंड अभी अगर यहाँ पे मैं मरता हूँ ना तो भाई मेरे को बहुत गंदा वाला माइनस पड़ेगा, इसी वजह से ना यहाँ पे मैं काफी देर तक होल्ड लगा देता हूँ। एंड लकी यार इसके बाद वाला जोन भी अपने बन जाते, तो फिलहाल के लिए तो अपने को कहीं पे भी जाने की जरूरत थी नहीं। लेकिन मेरे राइट साइड वाले कंपाउंड में ना एक बंदा था जो कि यार अपने कंपाउंड में आ जाते हैं। और यार बंदा इधर बिना देखे भाई घर के अंदर घुस गया था और ऊपर साइड चढ़ रहा था, तो इसको एकदम ही खतरनाक वाला सरप्राइज दे देते। बाकी यार ये वाले बंदे को पिलने के बाद मेरे को कितना बेनिफिट होता है ना यहाँ पे वो तो आप देखते जाओ, बिकॉज ये वाले बंदे के रेट से भाई मेरे को इतनी खतरनाक लूट मिलते ना कि क्या ही बोलूं। ऊपर से यार बंदे की क्रेट से मेरे को एक फ्लेयर गन भी मिल जाती है। और इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार अपने वजह से शिफ्ट हो चुका था, तो यार जल्दी से मैं ओपन में जाके फ्लेयर चला देता हूँ ताकि यार अपने को आराम से एक बीआरडी मिल जाए एंड इसके बाद वाला जोन के अंदर जाने में अपने को दिक्कत ना हो। और अब यार यहाँ पे मैं बीआरडीएम लेके जोन के अंदर तो आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना सामने की साइड एक बंदा रहता है जो कि इधर मेरी बीआरडीएम डैमेज कर रहा था। तो यार यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यार मेरी बीआरडीएम इतनी जल्दी डैमेज हो जाए। सो जल्दी से यार यहाँ पे मैं उतर के ये वाले बंदे को निपटा देता हूँ। एंड भाई यहाँ पे ना ये डिसीजन मेरे ऊपर ही भारी पड़ सकता था, बिकॉज सामने वाली बिल्डिंग में भी एक बंदा था जो कि यार यहाँ पे ना मेरे को लिटरली 10 HP कर देता है। अब यहाँ पे अगर बंदे ने और थोड़ी बहुत गोली यार लगा दी होती ना तो डेफिनेटली यार यहाँ पे अपनी पीटी बन जाती। लेकिन जल्दी से यार यहाँ पे मैं बीआरडीएम के अंदर बैठ के हील विल मार के वापस से जोन के सेंटर में आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जोन का सेंटर होल्ड कर रहा था ना, तो चारों तरफ से यार यहाँ पे बंदे भाई मेरी बीआरडीएम को ही पी ले जा रहे थे। तो यार अब यहाँ पे भाई बीआरडीएम के अंदर बैठना ना भाई खतरे से खाली नहीं था। तो जल्दी से यार यहाँ पे मैं भाई बीआरडीएम से उतर के बिल्डिंग के अंदर आ जाता हूँ। एंड जैसे यहाँ पे आता ना तो सामने साइड इधर दो बंदों की फाइट हो रही थी और दोनों के दोनों बंदे यार यहाँ पे जोन के बाहर ही फाइट कर रहे थे। तो यार यहाँ पे ना मैं रैंडमली ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ। और यार दोनों के दोनों ग्रेनेड इतने एक्यूरेट होते हैं ना कि दोनों के दोनों ग्रेनेड से एक एक बंदा मरता है। लेकिन अभी भी यार वो साइड एक बंदा था जो कि यार मेरी बिल्डिंग की तरफ आ रहा था।
और यार ये वाले बंदे को भी आराम से किल कर देते, बाकी भी तो मेरे को छोड़ के तीन और बंदे बचे थे। एंड इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार वापस से मेरे पे बन जाता है। एंड अब यार यहाँ पे रही वाला जोन जो था ना वो लास्ट जोन था, तो यहाँ पे मेरे को इतना तो पता था कि यार लास्ट में अब जाके यार हील बैटल ही होगा। सो आसपास मेरे को भाई जितने भी क्रेट्स मिलते ना सारी सारी क्रेट से भाई यहाँ पे मैं हीलिंग्स उठाता हूँ। और सारे बंदों की पेटी लूटने के बाद अपने पास टोटल यार यहाँ पे 23 हेल्थ किट्स हो चुकी थी। तो भाई इतनी हेल्थ किट्स तो यार मेरे को पता था कि मैं आराम से हील बैटल जीत ही जाऊंगा। सो बस अब यहाँ पे भाई मेरे को सामने वाले बंदों के आपस में फाइट होने देनी थी और हील बैटल स्टार्ट करना था अपना। अब भाई ये वाले गेम में मेरे को लग तो रहा था कि हील बैटल थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन भाई दो तीन हेल्थ किट में यहाँ पे काम हो जाता है एंड सामने वाला बंदा इधर निपट जाता है। बाकी ये वाले गेम में अपने को 22 का प्लस मिल जाता है। सो अगर 7 किल के साथ अगर आपको 22 का प्लस मिल जाता है तो यार इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। बाकी यार बस इसी तरह गेम पे अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है दोस्तों शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।